नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल को चलते हुए भी लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं कंटिन्यूअस एक टाइम इंटरवल के बाद, कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार देर भी हो जाती है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कंटिन्यूअस वीडियो डालता रहता हूँ। बीच में कुछ होम्योपैथी की वीडियो भी आती रहती है, लेकिन मोस्टली जो कंटेंट है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ही। और मोटिव यही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत सरल इजी तरीके से लोगों के पास पहुंचे और रिजल्ट मिले, ताकि आम लोगों तक अगर ये चली जाए एक बार और मेडिसिन इजीली अवेलेबल होनी शुरू हो जाए, तो आप लोग देखेंगे कितना इजी हम लोगों के लिए हो जाएगा। और हो भी रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी सीरीज में मैं अपनी हम लोग जो क्लास ले रहे हैं वो क्लास भी ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, लोग सीख भी रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। अलग अलग लेवल पे बहुत सारे लोग अपनी क्लासेस ले रहे हैं, वो अच्छी बात है। और सबको क्लास जो ले रहे हैं, जो ले सकते हैं, लेनी चाहिए, लेकिन नॉलेज फ्रूटफुल होनी चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं एक लॉजिकल ओरिएंटेशन रहे और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन रहे, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि साइंस के नजदीक रहे वो चीज, तो ज्यादा अच्छा है। इसी सिक्वेंस में हमारी क्लासेज चलती हैं, बुक भी हैं, जैसे मेरी बुक भी है, ये आप लोग जानते हैं, 200 250 300 फॉर्मूले लगभग इसमें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंटली लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और फीडबैक भी लोगों के कंटिन्यूअस डेली आते रहते हैं। लगभग लगभग 100% रिजल्ट हैं सभी फॉर्मुलेशन के। खैर, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में बताना जा रहा हूँ। आज संडे भी है और थोड़ा फ्री टाइम भी है। एक एब्डोमन स्प्रे, पेट का स्प्रे जो है मैं बताने जा रहा हूँ, पेन स्प्रे, पेट में होने वाला दर्द, चाहे वो पेट में कीड़े की वजह से रहे, गॉल ब्लैडर की वजह से हो, किडनी स्टोन की वजह से रहे, या लीवर में कंजेशन की वजह से रहे, गैस की वजह से प्रॉब्लम रहे, ठीक है, डिसमेनोरिया लेडीज में हो जाता है, चाहे उस वजह से रहे, कॉन्स्टिपेशन की वजह से रहे, इन सब प्रॉब्लम में कोई इन्फेक्शन भी हो तो भी जो है पेन में ही रिलीफ प्रोवाइड करेगा। बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगा कॉम्बिनेशन को और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन जाके पढ़नी है जरूर। डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट डिटेल फॉर्मूले की लिख दूंगा। एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है, लेकिन समझना ये जरूरी हो जाता है कि भाई कोई मेडिसिन हमने ऐड क्यों करी है, ये बहुत जरूरी चीज है। और इस चीज की कमी है थोड़ी सी हमारे जो फेटर्निटी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है, उसका वजह यह है कि प्लांट वाइज स्टडी नहीं करी गई है उतनी। और खासकर प्लांट जो है, ऐसा नहीं कि हम मटेरिया मेडिका से या होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका से चीजों को पढ़ लेंगे, नहीं, वहां तो सिम्टम दिए हैं कि हेड का सिम्टम ये है तो ये देना है, ये है तो ये देना है, वैसे नहीं। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 5 प्लांट है, 6 प्लांट है या 9 प्लांट है, नक्सोमिका में जैसे 9 प्लांट है, सॉरी S1 में 9 प्लांट है, तो नक्सोमिका मेन प्लांट, नक्सोमिका के पीछे फिर बाकी सारे प्लांट जो है, सेलिक सेल्वा, हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस, बाकी सारे प्लांट जो है उसके पीछे उसको सपोर्ट करते हैं, वो सारे सिम्टम्स या वो सारी प्रॉब्लम्स जो नक्सोमिका के अंडर में आती हैं उनमें कहाँ ऐड ऑन हो सकती है, वहां पे वो अपने अपने इफेक्ट जाते हैं। दूसरा, हमारी जो मेडिसिन है वो, जब मेडिसिन की वैल्यू ज्यादा रहती है, चाहे आप पॉजिटिव निगेटिव माने या ना माने, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रोंग जो डोज है वो तो आप मान सकते हैं ना, ठीक है, जैसे स्ट्रोंग डोज, स्ट्रोंग डोज के बाद फिर सेमी स्ट्रोंग डोज या लाइटर डोज और फिर हाइयर डोज, ऐसे तो डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव को भी आप छोड़िए, ऐसे भी हमें यूज करना है। तो और वह सब करते ही हैं, चाहे कोई कैसे भी इलेक्ट्रोमोपैथी बता रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन वो इन दो चीज पे, तो ये प्लांट को वो जानता है, प्लांट की प्रॉपर्टी है, और दूसरा मेडिसिन को ऐसे यूज करना है, किसी डिजीज में 10 ड्रॉप डाल के देनी है, किसी डिजीज में 20 डाल के देनी है, किसी में 30 डाल के देनी है, ऐसा तो सभी यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हम डायल्यूट ही तो कर रहे हैं, तो कम डायल्यूट करना, थोड़ा ज्यादा डायल्यूट करना और उससे ज्यादा डायल्यूट करना, बस इतना ही समझ लीजिए तो भी बहुत ईजी है। पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर भी छोड़ दीजिए, चलो ठीक है छोड़ना है। फिर बात है टेम्परामेंट और ये सब चीजें, छोड़ना है क्या, ये देखना है करना है, तो आपकी मर्जी है, देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं देख सकते तो डायग्नोस तो करेंगे ना। आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं, आपके पास आया है वो, ठीक है, एब्डोमन की प्रॉब्लम लेके आया है, तो क्या सिर्फ आप स्प्रे दे देंगे और कोई ड्रॉप बना के रखी है पेन की वो दे देंगे, ऐसा थोड़ा ही है। उसके पेट दर्द क्यों हो रहा है, पेट दर्द क्यों होता है, क्या अक्सर होता है, क्या कोई अंडरलिंग प्रॉब्लम उसके साथ जुड़ी हुई है, क्या उसको कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम बार बार उसके होती है, ये सब चीजें तो आप देखेंगे ना, ये देखना। अब ये क्या है,
ये उसकी प्रकृति की तो समझ रहे हैं ना हम, रोगी की, रोगी की प्रकृति समझेंगे, उसको बार बार ठंड लगती है, ठीक है। हर एक आदमी की अपनी प्रकृति होती है, ये ध्यान रखना है। आप इसको माने इलेक्ट्रोमेपैथी से जोड़े या ना जोड़े, लेकिन वो तो होती है ना। किसी को बार बार ठंड लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है, किसी को किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, किसी को कोई मेंटल थ्रोट से इरिटेशन चीजें सामने आती है, किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और वो सब फिक्स चलता रहता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैमिली में भी चलती हैं, तो ये सब है, सब साइंटिफिक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिर भी माने ना माने, आप कम से कम इतना तो ध्यान रखेंगे कि भाई जो डिजीज है उसके उसकी वजह से जो ऑर्गन इफेक्टेड है वो कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन की रेमेडी है, उसके फंक्शन बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं, हमें वो बढ़ाने हैं या घटाने, उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी है क्या, क्या उसमें स्ट्रक्चर कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, मिल रहा है तो क्या करना है हमें, क्या वो श्रिंक हो रहा है या वो बढ़ रहा है, या उसमें कोई मेलिग्नेंसी है या ऐसे ही बिनाइन प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम ये चेक करना, यही तो डायग्नोस है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मेरे पास एक बोतल है, ये 60 ml का बोतल है, इसमें पहले मैं बेस लेना है। एक बेस में क्या करना है, हम इसमें लगभग 22 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, या नॉर्मल जो बिस्लेरी का मिनरल वाटर आता है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 ml के आसपास हम इसमें आरएस लेंगे, और ये टोटल हो गया हमारे पास 25 ml, नहीं 27 ml का हमें करना है एक्चुअली। 3 ml हम लेंगे इसमें आरएस, और 24 ml लेंगे डिस्टिल वाटर, तो ये 27 ml हो गया टोटल। अब 3 ml हम इसमें मेडिसिन डालनी है, 3 ml, ठीक है, 3 ml, 27 ml में 3 ml मेडिसिन डाल के हम इसको 30 ml कर लेंगे, अगर ये 30 ml का है तो। अगर ये 60 ml का है तो हम इसमें 6 ml मेडिसिन लेंगे, और 54 ml हम इसमें क्या लेंगे, डिस्टिल वाटर, मतलब 20 जो हमने बनाया। 60 ml है तो 6 ml मेडिसिन, 54 ml बेस, और अगर 30 ml है तो 27 ml बेस और 30 ml मेडिसिन। अब मेडिसिन क्या रहेगी और उसका लॉजिक क्या है वो समझना जरूरी है। मेडिसिन इसमें है A2, S5, C5, C10, VAR2, F2, Y और W। ये प्लांट के बेस पे सिलेक्टेड है, बहुत सारे अपने सारे ग्रुप्स में, बैचेस में, सब मैक्सिमम जगह में लोगों को बता चुका हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट लोग ले रहे हैं, मैं भी खुद यूज करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी यूज करिए और रिजल्ट मिलेंगे। और इसके जो रिजल्ट आप लोग यूज करेंगे, मैं चाहूंगा कि वीडियो देख के बना के आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो कैसे बनाया है, उसके रिजल्ट क्या मिले हैं आपको, वो जरूर आप लोग डालें, और वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट में लिखें। प्लस आप लोगों के अगर कोई सजेशन है, आप लोग चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बने, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देखूंगा टाइम लगा के उस चीज पे काम करूंगा। अभी मेडिसिन सेलेक्ट करिए हमने A2, आप सब लोग जानते हैं पेन किलर है, एस्क्युलस है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज होता है, होम्योपैथी में भी एस्क्युलस की क्रीम वगैरह लोशन वगैरह मिलते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए, खासकर जो नर्व से जुड़े हुए पेन है, चाहे वो फिर वेसल से जुड़े हुए पेन, चाहे वो लिम्फेटिक वेसल्स की प्रॉब्लम से हो, हालांकि वहां पेन नहीं होता ज्यादा आर्टरीज की वजह से, लेकिन उससे भी ज्यादा पेन वेन्स की वजह से देखने को मिलता है, तो वहां पे इफेक्ट है। S5 में बर्बरिस वल्गरिस है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बहुत यूज होता है पेन के लिए, पथरी के पेन के लिए, ठीक है, लीवर, फैटी लीवर के पेन के लिए, गोल ब्लैडर के पेन के लिए। C5 भी ऐसे ही बहुत अच्छा पेन किलर है, आप लोग जानते हैं। C10 जो है लीवर के पेन में, गॉल ब्लैडर के पेन में, पैनक्रियाज के पेन में रिलीफ प्रोवाइड करता है, इंटेस्टाइन के पेन में रिलीफ प्रोवाइड करता है, इसमें चेलिडोनियम है, कार्डुअस है, जो इस सब इफेक्ट यहाँ पे दिखाते हैं। ऐसे ही VAR2 में चेनोपोडियम है, आर्टिमिशा शीना है जो इंटेस्टाइन पे काम करती है, इंटेस्टाइन में स्पाजमोडिक पेन हो, गैस की वजह से पेन हो, या कोई वॉर्म्स हो गए, कीड़े हो गए पेट में, उस पर काम करता है, ठीक है। F2 में सिंकोना है, सिंकोना आप जानते हैं पूरा एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे भी पेन पेन रिलीफ के तरीके से काम करता है, F2 को हम यूज करते हैं पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। Y को पोडोफाइलम के लिए मैंने इसमें ऐड किया है, पोडोफाइलम इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक की वजह से हो, या डायरिया की वजह से, डिसेंट्री की वजह से पेन हो, या कोई भी ऐसा पेन हो, इवन ये लीवर के पेन में भी रिलीफ करता है। दूसरा लास्ट मेडिसिन हमने इसमें ऐड की है WE, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, इसको आर्निका की वजह से मैंने ऐड किया, और भी बहुत सारे प्लांट है, एगरिकस है जो
पेन में रिलीफ करते हैं डब्ल्यू में, लेकिन जो मेन सिलेक्शन यहाँ पे किया वो अर्निका की वजह से किया। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बहुत बेस्ट चीज है अर्निका, हालांकि एज ए होल डब्ल्यू को ही सिलेक्ट किया गया, लेकिन फिर भी एक इंडिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि अर्निका को आप लोग देखते हैं जो होम्योपैथी करते हैं कि होम्योपैथी में भी अर्निका को अर्निका के क्रीम्स पेन के लिए यूज किए जाते हैं, इवन हेयर फॉल के लिए भी, स्किन के पिगमेंटेशन के लिए भी लोग अर्निका के जो क्रीम अर्निका को ऑइंटमेंट्स में, क्रीम्स में डालते हैं होम्योपैथी में। तो ये सारी चीजों की वजह से यूज किया है हमने सबको, और ये सबको वैसे ही कर लेना आपको ये 30 ml की या 60 ml जो भी आपके पास रहे, और ये 60 ml है वैसे, आप इसमें वैसे ही ऐड करेंगे। फिर बाकी सारी मेडिसिन है, जैसे ये A2 है और ये D3, एक्चुअली मेरा मेरी कंपनी का ही D3 है, 100 ml की बोतल है, तो D3 से सीधा आप ऐड करेंगे, 3 ml को आप डिवाइड कर लेंगे सारों सभी बोतल में, A2 ठीक है, C10, C5, WAR2, F2, WE, Y, इन सबको आपको ऐड कर लेना है, ऐड करके इसमें बोतल में, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से, 20-25-30 बार मिक्स करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा रेक्टिफाइड स्प्रिट भी है इसमें, और रेक्टिफाइड स्प्रिट तो पानी के साथ मिलाते हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रोक देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो जरूरी हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि रेक्टिफाइड स्प्रिट को हमने मिलाया थोड़ा वेपराइजेशन इफेक्ट देने के लिए, वेपराइजेशन इफेक्ट आएगा तो पेन में रिलीफ जो है वो मिलता है, हमेशा ही मिलता है, इसको आप यूज करना है, लेकिन ये केवल एब्डोमन के लिए, ये ध्यान रखना है पेट वाले एरिए, जो हमारा खाने का पेट है उस वाले एरिए से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको, ऊपर चेस्ट पे लेके नहीं जाना है, लीवर और इधर एब्डोमन पेन किया इस वाले एरिए से नीचे, मतलब अपर एब्डोमन लोअर एब्डोमन इन सब जगह आप इसको जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन पेल्विस एरिया में कोई खास इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा। अप्लाई कर सकते हैं मान लो किडनी सॉरी यूरिन ब्लेडर की वजह से किसी को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वहां पे, लेकिन फिर भी ओवरीज में ठीक है, यूट्रस का पेन हो गया, किडनी कोलिक हो गया, या नॉर्मल पेट दर्द हो गया, या गोल ब्लेडर कोलिक हो गया, इन सब जगह आप यूज करेंगे सब जगह रिजल्ट मिलेगा, नॉर्मल पेन में तो साथ के साथ ही मिल जाएगा। इसका स्प्रे करना है अच्छे से पेट पे ऐसे स्प्रे करके, और एक स्प्रे इसका जो है अम्बिलिकल में भी, मतलब नाभि में जरूर मारना है, एक स्प्रे इसका चारों तरफ स्प्रे मारने के बाद एक स्प्रे नाभि में मार के आराम से छोड़ देंगे ठीक है, 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि रिलीव मिल जाएगा पेशेंट को, फिर आप ये बोतल पेशेंट को दे दीजिए और जो पैसा आपको लेना है वो ले लीजिए, आप अपना स्टिकर बनाइए अच्छा सा, देखो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, थोड़ी सी ब्रांडिंग स्टिकर सी अच्छे से बने तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी क्वालिटी आए, जैसे हमने भी इस बार व्हाइट के जगह ब्राउन बोतल ले लिया है 100 ml के लिए, भी कैप भी बिल्कुल डबल लॉक वाली ले ली है ऐसे, इसका वो भी ले लिया है, स्टिकर भी अच्छे से डिजाइन कर दिया है ताकि थोड़ी सी स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी वो सब बढ़े इम्प्रूव हो। हालांकि कांच की बोतल भी मैं कर सकता हूँ सोच रहा हूँ, लेकिन इसको भेजने में परेशानी होगी अभी, उतने केयरली चीजें जा नहीं पाती हैं। तो ये था आज का वीडियो और स्प्रे को लेके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो अगर अभी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जो मैंने बताया आपको, और अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।